हेलो गाइस एंड फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार। अब देखो यार, टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ सीरियस बातें करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ टेक इट लाइटली। एंड आज मैं चाहता हूँ कि ऑनेस्टली इस पर मैं एकदम सटीक बातें करूँ, जो कि मैंने अब तक किया नहीं था, तो आज मैं करूँगा। अब देखो, शहजादा बिकेम ऑल टाइम माइनस ब्लॉकबस्टर बाय कलेक्टिंग 500 करोड़ माइनस 488 करोड़। अब सबको मालूम है कि शहजादा ऑलरेडी अलवा वैकुंठपुरम का रीमेक है, जो कि हिंदी डब में आई थी एंड लोगों ने देखा भी था। अब आपको एक चीज़ बता दो, अगर शहजादा रीमेक नहीं भी होती ना, तो भी गंदा फ्लॉप होती थी, क्योंकि इतना बचकाना बनाया गया है एंड ऑलरेडी उसका कोई हाइप मचा नहीं, जबकि कार्तिक आर्यन ने बहुत मेहनत से प्रमोट किया था उस फिल्म को। अब देखो, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 चल जाती क्योंकि उसमें एक फ्रेंचाइजी वैल्यू था, प्लस वो फिल्म भी अच्छी निकलती। वहीं अजय देवगन की दृश्यम 2 ले लो, वो भी चल जाती क्योंकि भाई उसका पहला पार्ट जो था वो ऑलरेडी हिंदी में पॉपुलर था एंड लोग क्यूरियस थे कि अब इसके अगले पार्ट में होगा क्या। अब मैं कहना इतना ही चाहता हूँ कि जो फिल्म आपकी हाइप मचाती है, वो फिल्म अपने आप चल जाती है। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब संदीप रेड्डी वांगा की कबीर सिंह आई थी, जो कि रीमेक था अर्जुन रेड्डी का, तो उस समय अर्जुन रेड्डी का हिंदी डब नहीं अवेलेबल था। बट मैं आपको एक ट्विस्ट बता दूँ, अगर हिंदी डब्ड अर्जुन रेड्डी का अवेलेबल भी रहता ना, तो भी कबीर सिंह चलती थी, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि जब उसका टीजर और ट्रेलर आया था, उसके सीन्स ऑलरेडी हाइप मचा दिए थे, उसमें जितने सारे एलिमेंट्स थे वो ऑलरेडी लोगों को डुबा दिए थे, प्लस गाना उसका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था एंड फिल्म में जो पावर देखने मिलता है शाहिद कपूर का, वहाँ छा जाती। वो पहली सर्टिफिकेट वाली फिल्म थी जो 278 या 280 करोड़ को जैसा कमाती, तो सोचो वो धमाका ऑलरेडी बन जाता है। अब मैं आपको एक और ट्विस्ट बताता हूँ, अभी अगले हफ्ते अक्षय कुमार की आने वाली सेल्फी, अब वो भी रीमेक है मलयालम फिल्म का, जिसका हिंदी डब नहीं अवेलेबल है, बट मैं फिर भी लिख के देता हूँ वो भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं चलेगी। उसका रीजन ये है कि सेल्फी का ट्रेलर अच्छा रहे के भी वो लेवल का हाइप नहीं मचा पाता जो मचाना चाहिए। अब देखो यार, अक्षय कुमार को ऑलरेडी हर 3-3 महीने पे लोग देख रहे हैं, तो ऑलरेडी लोगों ने ना उनको थोड़ा साइड करना शुरू कर दिया। आप सोचो, अक्षय कुमार की जब राम सेतु आई थी वो तो अच्छी फिल्म थी, तो भी नहीं चली। रक्षाबंधन तो भी नहीं चली, जबकि वो भी अच्छी फिल्म थी। अब सेल्फी के केस में यही हो रहा है कि यार ट्रेलर अच्छा है एंड फिल्म भी अच्छी निकल भी जाएगी, फिर भी कुछ खास नहीं चलेगी। लेकिन वही आपको एक ट्विस्ट दिखाता हूं, भोला जो कि रीमेक है कैथी का, जिसका हिंदी डब अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो भी फ्री, लेकिन उसके दोनों टीजर ने वो हाइप मचाई, वो बवाल मचाया, वो गर्दा उड़ाया, जो ऑलरेडी सिनेमा देखने वालों को एकदम ट्रीट सा लगे, क्योंकि अजय देवगन ऑलरेडी एक पैशनेट एक्टर डायरेक्टर है, वो नजर आ गए रिसेंट टाइम में, क्योंकि जहां उनकी रनवे 34 फ्लॉप हुई, फिर थैंक गॉड फ्लॉप हुई, उन्होंने समझ लिया कि अब सिनेमा कैसा चल रहा है, कौन सा हवा है, तो वो बंदे ने बहुत ही दिमाग लगाया, वो पूरा भोला में छलकता है कि उनकी डायरेक्शन में बनी ये फिल्म रीमेक से एकदम हटके है और काफी यूनिक लग रहा है। भाई दो टीजर ने ये हाइप मचाया, अभी ट्रेलर आना बाकी, देखना कैसा गर्दा उड़ाएगा, जबकि उसका हिंदी डब्ड है तो भी चलेगा, मैं लिख के देता हूं, देख लेना। सो ओवरऑल मैं कहना इतना ही चाहूंगा कि भाई आपकी फिल्म हाइप कितना मचाती है, फिर चाहे रीमेक करो या कुछ भी करो, पूरा मैटर करता है हाइप पे। अब यहां पे तो यार ओरिजिनल चलना भी मुश्किल हो जा रही है, लेकिन तुम रीमेक करके क्या ही तोड़ लोगे, इससे अच्छा भाई एक ऐसी गांडफाड़ चीज करो जो ऑलरेडी सिनेमा देखने वालों के लिए, लोगों के ऑडियंस को ऐसा तहलका दे दे कि भाई साहब मजा आ जाए यार, माहौल बना दे। अब देखो, इस साल जो ओजी फिल्म आने वाली है, जवान, सलार, एनिमल, टाइगर 3, भाई साहब इसका नाम ही काफी है हाइप मचाने के लिए, क्योंकि यार लोगों को बिलीव है कि ये जो आने वाला है ना, ये एक साक्षात हथियार है, तो इसके हाइप ऑलरेडी बन गई। आप पठान को ही देख लो, 0 प्रमोशन, 2 गाना, 1 टीजर, 1 ट्रेलर और बात खत्म, पूरा एकदम भौकाल मचा दिया, तो वही भौकाल ये लोग लेकर आ रहे हैं। एनीवेज, आप लोग भी सोचते रहेंगे कि साला कितना हरामी है, सलार और जवान का टॉपिक रख के वीडियो का एंड बातें कुछ और ही कर रहा है, कितना हरामी हो ना, मैं भी प्रभास और शाहरुख के नाम पे व्यूज कमा रहा हूं, हैशटैग सूरज कुमार इज अ रियल फिल्मी इंडियन, सॉरी। लेकिन सबसे पहले न्यूज आपको बता दूं कि पठान ऑलरेडी 500 करोड़ के करीब आ गया है, तो बहुत बहुत बधाई शहजादा के मेकर्स को, जिन्होंने फिल्म पोस्टपोन करके और चांस दे दिया। अब दूसरी बात जवान की मैं बात करूं, फिल्म रिलीज होने वाली 2 जून को, हालांकि वो फिल्म अब पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि यार उसमें काफी कैमियो वर्क भी चल रहा है अभी एंड क्लाइमेक्स भी बाकी है, प्लस VFX हैवी लोड पे होने वाला है, तो वो भी इनकम्प्लीट ही अभी तक, तो काफी काम उसका बाकी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जहां हम लोग को मालूम है कि जवान में तलपति विजय का कैमियो होने वाला है, वहीं एटली ने अल्लू अर्जुन के कैमियो के लिए भी कुछ लिख दिया है। अब वो वेट कर रहे कि अल्लू अर्जुन अप्रूवल दे, तो वो भी इस फिल्म में अपना कैमियो रखे एंड फिल्म बवाल हो जाए। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि थिएटर क्या सोचता रहेगा कि भाई साहब आप शाहरुख भाई को लियो, तलपति विजय को लियो, वैसे ही फटने वाले, अब अल्लू अर्जुन को भी ले लोगे, भाई साहब
ऐसी भी गांड ना फाड़ो थिएटर के कि सिलने के लिए धागा कम पड़ जाए, यही हाल होने वाला है। एनीवेज दूसरी तरफ की कहानी ऐसी कि प्रभास 12 महीने के पीरियड में 3 बार नजर आएंगे सिनेमा पर। सबसे पहले उनके आ रही है 16 जून को आदि पुरुष, जिसका टीजर आने वाला है 30th of March को, यानी कि रामनवमी के दिन पे वो सेकंड टीजर रहेगा। एंड ऑडियंस को बताएंगे कि देखो हमने कितना इंप्रूवमेंट किया है। देखो यार, वो टीजर को देखने का तभी मजा आएगा जब अपन उसको 3D में एक्सपीरियंस करेंगे, आपको मालूम ही है। उसके बाद उनके आने वाली सलार, डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील एंड ये हुंबले की तरफ से। तो इस फिल्म को अपने आप में भरोसा है कि भाई साहब ये बहुत बवाल प्रोजेक्ट होने वाला है, एंड इसके लिए एक्साइटमेंट अब भी सही है लोगों को। सोचो ना, मैं इसका नाम यूज करके वीडियो बना रहा हूं तो फिर क्या ही हो सकता है। अब ये फिल्म आने वाली 23rd of September को। उसके बाद प्रभास की तीसरी फिल्म आएगी जनवरी 2024 में, जिसका नाम है प्रोजेक्ट के। ये साईफाई फिल्म है। अब देखो यार, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको लेके मैं इतना ही कहूँगा कि यार, या तो ये फिल्म इंडियन सिनेमा पे 4 चांद लगा देगा या फिर ऑडियंस के L लगा देगा। क्योंकि यार, इससे पहले मैंने प्रभास का एक्सपेरिमेंट देखा था साहो में, उसके बाद राधेश्याम में, तो हम जानते ही है राधेश्याम का तो लव स्टोरी आपको मालूम ही है, आज तक लोग ब्रेकअप करते हुए फिर रहे वो देख के। सो ओवरऑल इस साल तो भाई सारे इंडस्ट्री से बहुत बड़े बड़े फिल्म आने वाले हैं, एंड बॉलीवुड से भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्म आने वाले हैं। तो भाई चलो, बॉयकॉट वालों का भी धंधा चलते रहेगा एंड हमारा तो चलते ही रहेगा। सो आप लोग कौन से फिल्मों के लिए एक्साइटेड हो कमेंट करके बताइए। मैं तो भाई साहब बैड एस रवि कुमार के लिए ही एक्साइटेड हूं, उसके आगे तो मेरे को सब धुंधला दिख रहा है, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट रहे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, तब जाके मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। यार शेयर कर दोगे तो यार मैं 2 स्पेशल वीडियो ला दूंगा, तो प्लीज कर दो। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, बाय।